16 अप्रैल 2018 ये वो दिन था जब मैंने आखिरी बार इस गतिमान एक्सप्रेस में यात्रा की थी। ये जर्नी जो है वो थोड़ी सी स्पेशल होने वाली है, इसलिए क्योंकि आज मैं पहली बार गतिमान एक्सप्रेस की एग्जीक्यूटिव क्लास में ट्रैवल करने वाला हूँ। तो देखते हैं कि 3 साल पहले जो सर्विस मिलती थी उसमें क्या चेंज आया है और अब इस गतिमान एक्सप्रेस में जो सर्विस है वो कैसी है। हालांकि ये इंडिया की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है जो कि 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चलती है, तो वो स्पीड तो देखने को मिलेगी ही, साथ ही साथ इंडिया की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन में उसके सबसे बेस्ट क्लास में सर्विस कैसी होती है वो भी आज देखने को मिलने वाला है। तो चलिए आज की जर्नी शुरू करते हैं। ट्रेन नंबर 12050 गतिमान एक्सप्रेस जो कि हजरत निज़ामुद्दीन से वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी के बीच चलती है और इसकी मैक्सिमम रफ्तार 160 किलोमीटर पर आवर की है और ये स्पीड मिलती है इन महाशय कारण जो कि WP5 के नाम से मशहूर हैं हमारी रेलवेज में। और मैं ऐसे ही चल रहा था, सामने हमें विवेक भाई मिल गए और उन्होंने नाम पुकारा मेरा। अच्छा लगता है जब लोग नाम पुकारते हैं और बोलते हैं मैं आपको जानने वाला हूँ, बहुत अच्छा लगता है। कोई इसी एरिया का अच्छा लगता है, इलाहाबाद बनारस नहीं नहीं मैं हूँ बनारस का लेकिन घूम देता हूँ यहाँ पे। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू और ऑल द बेस्ट। इनका एग्ज़ाम है तो ऑल द बेस्ट। अच्छे मैं कमेंट करूँगा आप, बिल्कुल बिल्कुल कमेंट करना, कमेंट भी करूँगा। चलो मिलते हैं, बाय, थैंक यू, थैंक यू। तो भाई काफ़ी अच्छा लगता है जब लोग मिलते हैं ऐसे। चलिए अपना डिपार्चर जो है बस सब होने ही वाला है। और ये है, नहीं 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 इसके बारे में अभी बात नहीं करूँगा, पर हाँ इस ट्रेन को आप गौर से ज़रूर देख लें क्योंकि बाद में इसके बारे में बात होने वाली है। तो सभी यात्री ट्रेन में सवार हो चुके हैं, हम भी जल्दी से ट्रेन के अंदर बैठ जाते हैं क्योंकि डिपार्चर बस होने ही वाला है। चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं कि गतिमान का एग्जीक्यूटिव क्लास जो है वो कैसा होता है। इंटीरियर बाद में दिखाते हैं, पर डिपार्चर हो गया तो वक्त हो चुका है करीब 8:08, सिर्फ 2 मिनट में हमारी ट्रेन यहाँ से डिपार्चर लेगी। तो बिल्कुल अपने करेक्ट टाइम 8:10 पे अपना डिपार्चर जो है वो हो चुका है। और सामने खड़ी है हजरत निज़ामुद्दीन यशवंतपुर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस जो कि इससे करीब 10 मिनट के बाद यहां से निकलने वाली है। करीब 8:25 पर इसका डिपार्चर यहां से होगा। तो ट्रेन के चलते ही पानी की बॉटल से आपका स्वागत होता है, लेकिन बाहर फरीदाबाद का अंधाधुंध स्किप जो है वो हो रहा है, तो चलिए पहले वो देख लेते हैं। फिलहाल हमारी ट्रेन जो है फरीदाबाद न्यू टाउन को स्किप कर रही है 160 की रफ्तार में। और कुछ ऐसा दिखता है एग्जीक्यूटिव क्लास, 2x2 का सीटिंग अरेंजमेंट है, सीट की कुशनिंग बहुत ही अच्छी रहती है, सब मिला करके बहुत ही स्पेशियस और प्रीमियम फील होता है यहाँ बैठ करके। ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो होने वाली है इस ट्रेन में, मतलब अभी क्रॉसिंग भी होने वाली है राजधानी और सिया राजधानी और अगस्त क्रांति राजधानी के साथ, और बाकी 160 की रफ्तार में गेट खोलने की हिम्मत तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन ट्रेन थोड़ी स्लो होगी तो ज़रूर से कुछ आपको स्किप जो है वो दिखाएंगे। और उसके साथ ही साथ अपना टी जो है वो भी सर्व हो चुका है। तो अब जो है प्रॉपर ब्रेकफास्ट जो है वो आ चुका है, पहले सिर्फ टिकट जो थी वो मिली है हमें, लेकिन अब टिकट के बाद ये मफल जो है वो मिल जाती है। वैसे कॉन्फ्लिक का भी ऑप्शन मिल जाता है तो अगर आप चाहो तो ये ले सकते हो, और मिल्क जो है बस कुछ देर में आने वाला है। तो ये प्रॉपर ब्रेकफास्ट जो है वो आपको मिलता है इस इंडिया की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन में। थोड़ा सा बुरा लगता है जब एक साथ कई सारी प्रीमियम ट्रेन जो है वो मिस हो जाती हैं, हालांकि क्रॉसिंग जो है वो मिस हुई है, हमारी सेंट्रल राजधानी हो गई, अगस्त क्रांति राजधानी हो गई, मुंबई राजधानी हो गई और चेन्नई गरीब रथ, अभी सब हमें अभी क्रॉस हो गई हैं। जर्नी तो अच्छी चल रही है यार, 160 की स्पीड में जर्नी चल रही है और कंटिन्यूस गाड़ी 160 की रफ्तार भाग रही है, लेकिन एक दिक्कत की बात है, वो दिक्कत की बात क्या है मैं आपको बाद में बताऊँगा। अभी चलते हैं, अभी मथुरा का स्किप जो है वो होने वाला है और अभी ट्रेन जो है वो स्लो डाउन हुई है क्योंकि मथुरा जंक्शन जो है वो आने वाला है, ट्रेन स्किप करेगी मथुरा को, लेकिन वही दिक्कत है कि मथुरा को ट्रेन ना
बहुत ही स्लो स्पीड में स्किप करते हैं। सिर्फ यही नहीं, जितनी भी गाड़ियाँ होती हैं प्रीमियम ट्रेन जो भी मथुरा को स्किप करती हैं, वो सभी मथुरा को बहुत ही स्लो स्पीड में स्किप करती हैं। तो सारी प्रीमियम गाड़ियों का क्रॉसिंग मिस करने के बाद अब मथुरा जंक्शन का स्किप जो है वो मिस नहीं करना चाहते थे। और उस तरफ शायद से कर्नाटका संपर्क क्रांति एक्सप्रेस खड़ी है और इसके पीछे कौन सी ट्रेन है ये समझ में नहीं आया। तो पहले हमें ये लगा कि सिर्फ उतने कुछ मिलने वाला है ब्रेकफास्ट में, लेकिन अभी अगर आप इस ट्रेन में ट्रैवल करते हो तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप साउथ इंडियन ले सकते हो या तो आप वेज में वेज कटलेट, वैसे भी वेज ही है पर यहाँ पे आप वेज कटलेट या फिर पराठे जो है वो ऑप्शन में ले सकते हो। तो साउथ इंडियन में आपको उत्तपम, उपमा, सांभर और ये चटनी नारियल की ये मिल जाती है। तो मैं पहली बार देख रहा हूँ उसी ट्रेन में, मैं देख रहा हूँ पहली बार कि साउथ इंडियन जो है वो सर्व हो रहा है। और फिलहाल अभी हम ओवरटेक कर रहे हैं निज़ामुद्दीन वीरांगना लक्ष्मीबाई ताज एक्सप्रेस को, जो कि डेली चलती है इस रूट पे। करीब 95 मिनट की जर्नी के बाद पहुंच चुके हैं आगरा कैंट रेलवे स्टेशन। और जब ये ट्रेन स्टार्टिंग में लॉन्च हुई थी तो बहुत बड़ा हाइप बना था, आप सिर्फ 90 मिनट में दिल्ली से आगरा पहुंच जाओगे। और ख़ास तौर पे जो पर्यटक लोग थे जिनको सिर्फ 90 मिनट में डेढ़ घंटे में आगरा पहुंचना होता था, वो लोग बहुत इस ट्रेन का इस्तेमाल करते थे। अभी हम यात्रा कर रहे थे गतिमान में और हमारे साथ विदेशी मेहमान भी थे। हाउ वाज द एक्सपीरियंस सर? ट्रैवल वाज ग्रेट, वेरी इजी। थैंक यू सर। तो कुछ लोगों से मेरी बातचीत हुई और जितने भी विदेशी मेहमान थे ना, उनको तो काफ़ी अच्छा लगता है, वो तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस, वैसे उनके देशों में इससे अच्छी ट्रेन चलती होंगी, लेकिन जब भी वो लोग इस ट्रेन में ट्रैवल करते हैं सबको अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है, क्योंकि भाई हमारी इंडिया की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है, जाहिर तौर पर सर्विस भी और स्पीड भी सब कुछ टॉप नॉच है एकदम। और ये देखिए लगभग सारे पैसेंजर्स यहाँ ट्रेन को डीबोर्ड कर दिए हैं और मोस्टली जो पैसेंजर ऑक्यूपेंसी होती है वो आगरा कैंट तक ही होती है। अब आगरा से निकलने के बाद चंबल घाटी गुजरने वाली है और यहाँ से ट्रेन की अधिकतम रफ्तार 160 किलोमीटर पर आवर से 130 किलोमीटर पर आवर की हो जाएगी। चंबल घाटी को क्रॉस करने के बाद ग्वालियर फोर्ट बहुत ही करीब आ चुका है, तो यानी ग्वालियर जो है बस पहुंचने ही वाले हैं। ट्रेन जब चलाई गई थी ना तो इसका हॉल्ट सिर्फ आगरा तक का था, लेकिन बाद में इसको ग्वालियर तक एक्सटेंड कर दिया गया और इसको आखिर में झांसी, जिसको आज हम
वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई से जगह नाम से जानते हैं। तो इस तरह से इस ट्रेन का जो विस्तार है वो किया गया। तो बस पहुंचने वाले हैं वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। लेकिन हाँ, एंड में मैं आपसे कुछ बातें करने वाला हूँ कि क्या गतिमान एक्सप्रेस जो है वो वाकई में भारत की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है, और अगर फास्ट है तो बाकी और अन्य ट्रेनों की तुलना में ये ट्रेन कितनी फास्ट है। तो करीब 403 किलोमीटर की जर्नी को हमारी ट्रेन ने 4 घंटे 20 मिनट में कवर किया है। हालांकि इसका टाइम जो है वो 12:35 में यहाँ पहुँचने का है, पर ट्रेन यहाँ पर करीब 5 मिनट बिफोर टाइम आ गई। तो 4 घंटे 20 मिनट में नई दिल्ली से झांसी एवरेज स्पीड करीब 91 किलोमीटर पर आवर की, इसीलिए इसको हम इंडिया की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन कहते हैं, और इसीलिए इस ट्रेन को हम इंडिया की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन कहते हैं। लेकिन एक चीज़ और है कि एक और ट्रेन थी निज़ामुद्दीन यशवंतपुर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, जो कि हमारे गतिमान एक्सप्रेस के निज़ामुद्दीन से निकलने के 10 मिनट बाद वहाँ से निकली, और वो ट्रेन भी पीछे पीछे आ रही है और करीब 20 से 25 मिनट की देरी के बाद वो यहाँ पहुँच जाएगी। तो इसको लगा करीब 4 घंटे 20 मिनट और उस ट्रेन को लगने वाला है 4 घंटे 40 मिनट या 45 मिनट। तो करीब 20-25 मिनट की देरी से वो ट्रेन आएगी। तो ऐसे में अगर मैं इसको कहूँ कि ये हाई स्पीड ट्रेन है, बहुत अलग है बाकी ट्रेनों से, कुछ मामलों में बहुत अलग है, लेकिन अगर बात करें स्पीड की ना, तो सिर्फ 160 की स्पीड एक कुछ दूर चलती ज़रूर से है, बाकी थ्रू आउट द जर्नी इसकी स्पीड जो है ना वो अराउंड 130 किलोमीटर पर आवर की रहती है। चलिए फिलहाल इस वीडियो को इतना ही, बाकी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। और हाँ, मानसून आ चुका है तो बहुत सारी मानसून की जर्नी चैनल पे आने वाली है, लेकिन उसकी अपडेट जो है ना वो आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर से फॉलो कर लें, मेरी इंस्टा आईडी रेल ज्ञान कोश आपको यहाँ पे दिख रही होगी, जाइए फॉलो करिए और इंतज़ार करिए मेरी मानसून जर्नीज़ का। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।